हिसार की सब्जी मंडी चौक और बड़वाली डाड़ी के बीच एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों ने युवक पर 15 से 16 गोलियां चलाई। घायल युवक मुकेश सैनी उर्फ प्रधान को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दिहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और वहां का बाजार पूरी तरह से बंद हो गया। बताया जा रहा है कि यह हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई है। जानकारी के अनुसार मुकेश सैनी उर्फ प्रधान अपने दोपहिया वाहन पर किसी काम से सब्जी मंडी चौक की तरफ आ रहा था। वह सब्जी मंडी चौक से थोड़ी दूर पहुंचा था कि पीछे से आ रहे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियां चलने की घटना से बाजार में दहशत फैल गई और सब दुकानें बंद करके भाग गए। घायल मुकेश सैनी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सारी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो 15 के करीब गोलियों के खोल घटनास्थल पर बरामद किए गए। पता लगा है कि मुकेश उर्फ प्रधान 2018 में जैकी नामक एक युवक की हत्या के मामले में गवाह था। वह मृतक जैकी का जिगरी दोस्त भी था। बाद में वर्ष 2019 में जैकी के हत्या आरोपियों पर गोलियां चलाने के आरोप में मुकेश उर्फ प्रधान सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकेश प्रधान फिलहाल उस मामले में जमानत पर चल रहा था। मुकेश के पिता ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि मुकेश जैकी मर्डर केस में गवाह था, तो उसी रंजिश में यह हत्या हो सकती है। वह तो पुलिस से यही मांग करते हैं कि हत्या करने वालों को गिरफ्तार करके सच्चाई पता लगाई जाए। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता राम निवास राणा ने कहा कि इस मामले में पुलिस को पता है कि किसने हत्या की है और क्यों की है। शहर में दहशतगर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हिसार अपराधों के मामले में नंबर 1 बन चुका है। राणा ने आरोप लगाया है कि हिसार में भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की सुत लेने के लिए निकलते नहीं है। महिलाएं आज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसके अलावा भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से शहर में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने की मांग की है। ये मेरे को पता को नहीं जी, मैं तो मंडी बैठा था, वहाँ मेरे पास गए, किसी का गोली मार दी, नूं भी को नहीं बताया छोटे को मार दी। जब फिर यहाँ आगे देखे तो वे फिर उसने सफरे में देखे सफरे रखी को। तो आपके कोई पुरानी रंजिश वगैरह हो किसी प्रकार? रंजिश तो वही है जैकी के मैं मर्डर में जो वो गवाह था, और तो कोई रंजिश और आपको ने इतना पता भी कितने लोग थे पता को नहीं जी। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हो? आगे तो बस ये पता चलना चाहिए भी केस रंजिश में किस तरह मारे है उसने मारे दो बाद। तो पहले दो महीने पहले तो उसकी घरवाली गुजरी थी, बीमार थी कई दिन से, दो बच्चे दो लड़के दो बच्चे हैं। ये इससे मोटी वर्ग की अड़बाद दो लड़के हैं, 4 लड़के हैं। ये दो सब्जी लेकर सवेरा मासा कोरिया काम कर रहे हैं। ये तो एक लड़की धंधा में लगा, सामने लड़का बड़ा है और एक लड़की छोटी है, और 3 लड़की दूसरी औरत के पहले मेरे घर वाले मुझे थोड़ी। ये प्रधान के नाम से है, अजय प्रधान था के नाम था उसका, मुकेश प्रधान था। इस पर 15-20 गोलियां चलाई गई है। ये मुझे लगता है पुलिस को भी पता है इस बात का, इनसे कहीं पहले भी आखिरी में जो है खिंचाव चल रहा था, तो मेरे को लगता है भैया उससे जुड़ रहा मामला पाओगा। तो पुलिस को भी इस बारे में पता है कौन करने वाले है, कौन किसने कराया है, किसने मारे है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा हिसार शहर जो है आज क्राइम के मामले में पहले नंबर पा चुके हैं। पहले हाँसी होया करता, अब जो हाँसी की जगह जो हिसार हो चुका है। थोड़ा दिन पहले यहाँ होया, फिर धोड़िया कुआ के पास हुआ, फिर अर्बन सेट में हुआ, ऋषि नगर में हुआ, जगह जगह। और हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे वो मेयर हो और चाहे वो विधायक हो, वो तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई काम हो, उनका कोई प्रोग्राम हो, तो घर से निकलते हैं, नहीं तो घर में ही बैठ आराम से बैठे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है इनका, उनका धर्म बनता है। एक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो क्राइम इतना बढ़ रहा है, प्रशासन पर जो है कंट्रोल करना चाहिए। आज हमारी महिलाएं अगर 8 बजे के बाद घर से निकलते भी डर रही है, वो घर से निकलने से खतरा रही है भाई कोई कांड ना हो जाए।
तो कहाँ सुरक्षित है? महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है तो आदमी कहाँ सुरक्षित होंगे? ऐसा जो है हमारा जो पहला नंबर हिसार का क्राइम का मामले में आ चुका है। और मैं तो मेयर साहब को भी कहूँगा और विधायक साहब को भी कहूँगा, क्या जब आप विधायक हो यहाँ के हिसार के, आपका भी धर्म बनता है कि इस पर कंट्रोल किया जावे, अफसरों पर कंट्रोल किया जाए? इतने इतने क्राइम हो रहे हैं और फिर जो है घर में बैठ घुसे बैठे हैं, जनता मरो खपो। तो हमारा प्रतिनिधि होने के नाते उनका धर्म बनता है। तो आपका मतलब है कि पुलिस और प्रशासन और सरकार नाकाम है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आप मेरे को आप ही बता दीजिए, पहले इतने कांड कहाँ हुए थे? अब जो 2-3 साल में 5-6 साल में जो कांड हुए हैं, मैं हिसार को ही पहले नंबर पे कह सकता हूँ। पहले हाँसी था इस मामले में, हाँसी की बजाय हिसार हो गया। और जब से हमारे विधायक, आप बता दो, ऐसा जो इतना इतना मामला होता है, क्या विधायक का धर्म नहीं बनता? ऐसे मामले में हमारा विधायक का या मेयर का धर्म नहीं बनता? मौके पर पूछें, मौके पर प्रशासन को देखें, SP साहब से बात करें। तो ऐसा जो है हमारे जो विधायक है वो घर में आराम से बैठे, कोई किसी से लेना देना नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.